to respond. Morning. Hello. Kidney worry. My boss, huh? ये बात तो बाद में भी हो सकती है, तो घर में शक कैसे हुआ? बताया तो था कॉल की वजह से ही। तो उन्होंने कोई पूछा उसे? नहीं, बात तो कोई नहीं हुई, बस यही पूछते हैं कि किस से बात करते हो। मैंने समझ नहीं थी आ रही क्या कह रही थी। बिच पै गया हूं? मैं क्या ठीक है, बिच पै गया? हाँ जी। महसूस होया या नहीं? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹਾ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਐਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ? नहीं, अंदर रगड़ खा के ही जाएगा ना, इतना ही सुराख खुला है कि रगड़ भी नहीं खाएगा, सीधा ही चला जाएगा। नहीं, सुराख खुलने के बाद नहीं रगड़ना क्यों, मुझे ये नहीं समझ आती। हाँ तो पैंट चोते जब मैं तेरे अंदर डालूंगा तो साइडों में से लगेगा ना। हाँ वो तो लगेगा ऐसे। हाँ, तो यही कह रहा हूँ कि रगड़ के अंदर जाएगा, चिंगियाड़े भी निकलेंगे जब मैं स्पीड स्पीड से रगड़ूंगा। तो एक बात को, जब शादी होती है लड़कियों को तो बताते हैं ना कि शादी की पहली बार ये होता है वो होता, तो लड़कों को भी बताते ही होंगे। नहीं, लड़कों को तो नहीं बताते, क्योंकि लड़कों को पता होता है ना। लड़कियों को बताते हैं? तुझे किसने बताया था? मुझे क्या क्या बताया था जरा मुझे भी बताना, सारा डिटेल से बताना, किस तरह शुरू हुई थी बात, कहां पर खत्म हुई थी बात। ये पहले तो हम मीटिंग बैठे थे ड्राइंग रूम में, शुरू से बताऊं? हां, शुरू से। मैंने जब शादी होने से पहले मैंने इनको, जब मेरे पीछे आए थे ना फर्नीचर आया था, तभी मैंने ना इनको कह दिया था कि जब हम घर आऊंगी ना तो मुझे मिट्टियों पे बुठाना था, मुझे पेड़ बहुत पसंद थे जिन्होंने ड्राइंग रूम में दिखाए थे ना कलरफुल। तो मैंने कहा हम तो बैठना, कहते हाँ चलिए ठीक है, तो मैं कहा घर में दिखा देना, तो उन्होंने घर में ना वापिस आ दिया था। क्या बात, ये कि जब हमने हाल से घर आना तो उधर बैठाना ड्राइंग रूम में ला कर दिखाया था, उधर से फिर अम्मी के कमरे में चले गए, उधर से स्कूल में गया ऊपर कमरे में, तो जब ऊपर से मेरे कमरे में ले गए, इनके पापा ने खेल दिया है वो बाहर ही थे, मुझे बैठाया, कपड़ा दिया एक। अच्छा, उसका क्या करना था? जब ब्लीडिंग निकलती है तो फिर साफ नहीं करना होता, तो एक आदमी थी अंदर से, तो वो भी समझ के गए, ऐसा बात है। हंसे क्यों? हंसा तो नहीं हूँ। किया मैंने, मैं वो टाइट नीचे से पहन के ना, तो अंदर से पहन के आई थी, तो मैंने फिर आगे इसका मुझे बताया और अंदर वेयर का बताया, मैं कहीं अंदर वेयर मैंने पहना हुआ, तो फिर कहते हैं हाल भेजना बैठ के कपड़ा, मुझे कहते ये पड़ा हुआ इधर, तो मैंने कहा अच्छा, तो थोड़ी गर्म यही बात था, अगर शादी की पहली बात अगर ये मतलब काम हम ना करें तो। मेरी बात सुनो, कपड़े का तूने पूछा था? नहीं, खुद ही देते हैं, हर घर वाले देते हैं। मैंने कहा, तुमने कहा है ना, मैंने कहा कपड़ा नहीं, सभी ने कहा था ये कपड़ा पता हुआ है, तो ये कपड़ा दरवाजे में साइड वाले से मेरे के बाद में तो आलवे का संडे वे पड़ा हुआ है इसमें, तो ये रात के पहनने वाला सूट है, रेड कलर की लाइटी थी मेरी, सर मैंने आपको बताया था, सही है, तो ना ये सूट पहन के आना, ये जूता पहन के आना,
मतलब अगर कुछ होगा ना तो चीखे नहीं मारनी, रोना नहीं है, ये होता है ऐसे होता है, मुझे खुल के बात नहीं थी की बस यही कहा था। तो मैं चुप करके फिर बैठ गई थी, फिर जो डर गई मैं इसके साथ को जो हुआ वो पता चल गया। नहीं डर गई थी ना। हाँ कि ये कह रही है चीखे नहीं मारनी रोना नहीं क्या होगा। फल पक के गई थी, दूध वाला जग रख के गई थी, साथ गिलास था पानी की कैन थी, तो कहते कि अगर किसी और चीज की जरूरत है मैं कह नहीं तो ना कि भाभी सिंह के पापा आ गए थे तो उन्होंने जब आके कमरे की कुंडी लगाई पर्दा भी किया था, मेरा जिसको काम रहा था पता नहीं क्या होगा। पता नहीं मारेंगे, कुंडी भी लगा दी है, कपड़ा भी दरवाजा भी बंद कर दिया है, पर्दे भी आगे कर दिए, पता नहीं मारना ही ना शुरू कर दें। नहीं डर गई थी। नहीं तो ना डर नहीं था, लगा लगा था तो फिर मुझे बातें करते रहे करते रहे, तुमने सेब खाया था बस एक। हाँ तो फिर बाद में जो होता है वो तो आपको पता ही है। वो भी बता ना क्या हो गया। हाँ डिटेल में बता, डिटेल में फिर बातें करने के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी ज्वेलरी उतारी। ज्वेलरी उतारी पहले तो पहले हमने सेल्फी ली थी उनके पास है। फिर उन्होंने मेरी ज्वेलरी उतार दी तो फिर मेरी शर्ट की जिप खोल दी पीछे से, वो कुर्ती के पीछे ना जिप लगी होती है। अच्छा फिर उन्होंने जिप खोल दी पीछे से, शर्ट उतार दी, लहंगा उतार दिया, फुल नंगे हो गए। नहीं मेरा उससे पता है ना तो वो था नीचे से। अच्छा फिर वो फिर उतार दिया, सब उतार दिया, फिर कितनी देर करने की अपने भी उतार दिए। हाँ सारे उन्होंने अपना सारा कुछ खुद ही उतारा था, मैंने नहीं उतारा। तेरा भी सारा कुछ उन्होंने उतारा था। फुल नंगे। हाँ तो जाहिर था ऐसे ही होता है, कोई कपड़ा भी नहीं था तेरे जिस्म पे ना उनके। मुझे ना डर लग रहा था पहले, शर्म आ रही थी, लाइटें सारी कमरे की बंद कर दी थी, कम से कम में 3-4 बज गए थे। हाँ कपड़े उतार दे उतार दे। हाँ इतना टाइम तो हो गया पहले बातें करते रहे बैठे रहे तो। अच्छा कपड़े उतार के तो फिर भी बातें की या नहीं की फिर बातें। नहीं फिर नहीं की, फिर बातें की फिर प्यार। अच्छा फिर कहाँ से शुरू किया था उन्होंने, किस करनी शुरू की थी कपड़े उतार के पहले किस की थी, कहाँ से पहली किस कहाँ पर की थी। तो मैंने होटल से की थी। लंबी वाली या छोटी। नहीं बस से ही थी, ना इतनी छोटी थी ना इतनी लंबी थी। अच्छा फिर तो अंदर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मुझे दर्द हो रही थी, नहीं था हो रहा, हमसे हो ही नहीं था रहा। थोड़ी दफा कोशिश की, उसको जांच नहीं थी आ रही। नहीं है थी, मैं पीछे हो जाती थी, मैं दर्दा जोर से दोनों हाथों से पीछे करती थी। दर्द लग रहा था ऐसे तो पता नहीं होगा तो क्या होगा। तो जब उन्होंने एकदम जब मार के अंदर किया ना और इतनी दर्द में ठीक निकली तो उन्होंने हाथ रख लिया उनके ऊपर। उन्होंने रखा हाथ। अच्छा जब किस करने शुरू की थी किस कर, बस उसी टाइम ही अंदर डालना शुरू कर दिया था या कुछ देर किस की थी पहले। नहीं थोड़ी देर बाद। बस होंठों पे किस करते रहे थे अंदर करने से पहले। हाँ तो फिर 2 मिनट बाद उन्होंने अंदर किया, इतनी दर्द हुई, उन्होंने बनियान पहनी हुई थी व्हाइट कलर की, बनियान तो आके इतना खून लग गया था, फिर मैं इतना रो रही थी मुझे नहीं पता। तुम तो कह रही थी खून निकला ही नहीं था पहली रात को, हुआ ही नहीं था। नहीं वो भी तो मैं कह रही हूँ नहीं था।